किताब ते सिख भी निकलिया गया। लेखक सरदार कुलबीर सिंह कौड़ा, भाग तीजा। आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपवाली। पारसियां बारे। पारसी धर्म भी थोड़ा जिहा हिंदुस्तान दे बंबई ते महाराष्ट्र विच है, पर वह भी लगभग खत्म होने किनारे ही है। पारसियां दे गुरु जरत सत ने अपने अनुयायियों नूं कहा कि जिंदगी अग है ते ये अग परमात्मा नाल मिलाउंदी है, पर पारसियां ने अग का मतलब दूसरी अग समझ के इसकी पूजा शुरू कर दी। कई पारसी बहुत अमीर हैं, जिमें टाटा, गोदरेज, बाल्टीबाई, फौजी जरनैल माणक शाह, मशहूर वकील पालकी वाला, ये सारे पारसी हैं। बंबई विच इन्हां दी एक एसोसीएशन बनी हुई है जिस कोल 350 करोड़ रुपए गरीब पारसियां की मदद करन लई 1980 विच फंड सी, पर ये पैसा लैके पारसी बहुता खुश नहीं हुंदे। जे किसी पारसी का कारोबार मंदा पै जावे तां पारसियां वल्लों उस नूं अच्छी खासी रकम देण दी पेशकश हुंदी है, पर बहुते पारसी इस नूं अपनी हद तक समझदे हन। मेरियां दो भाबियां मासी दियां नूहां पारसियां दियां कुड़ियां हन। एक दा नां अबान है ते दूजी दा नां शेरू है। उन्होंने मैनू बहुत पारसियां नाल मिलाया। ये कौम सचमुच ही बड़ी गजब की है। इन्हां दे मंदर जिथे अग की पूजा की जाती है विच कोई गैर पारसी नहीं जा सकता। जे कोई पारसी मर जाए तो उस मुरदे नूं ना पारसी लोग साड़दे हन, ना दबदे हन, ते ना ही पानी विच रोड़दे हन। बंबई शहर के अद विचकार सैकड़े एकड़ जमीन जिथे जंगल जिहा उगया होया है विच एक उच्चा चबूतरा जिहा बनिया होया है। मुरदे नूं उत्थे रख दिता जांदा है। गिरजां जो लगभग उत्थे ही रहिंदियां हन उस लाश दा मास नोच नोच के खा जांदियां हन, ते हड्डियां दा उत्थे ही लगे ग्राइंडर विच पीस के आटा जिहा बना लिया जांदा है। फिर उस हड्डियां दे चूरे नूं आटे विच गुन के गोलियां वट के जंगल विच सुट दित्तियां जांदियां हन। जानवर गोलियां खा लैंदे हन, पर जे कदी गिरजां रजियां होण ते मुरदे नूं ना खाण तां समझिया जांदा है कि इस बंदे नूं रब ने मंजूर नहीं किया। इसका पहला इलाज पारसी ये करते हैं कि मुरदे नूं कुछ जुत्तियां मार देंदे हन, जिसका मतलब यह हुंदा सी कि जे इसने कोई पाप किया है तो इसकी सज़ा इसनूं दे दित्ती गई है। पर ब्राह्मण दे देश भारत विच रह के ब्राह्मण दे प्रभाव तो कोई धर्म किवें मुक्त हो सकता है। हुण इहो जिहे केस विच पारसी लोग हिंदू विधि नाल उसकी गति करवाउण लग पए हन। पारसी पुजारी लोगों नूं बथेरा समझाउंदे हन कि गिरजां थोड़ियां हन ते मुरदे ज़्यादा आउण करके रज्जियां होण करके ये नहीं खांदियां, थोड़ी देर तक भुख लगन ते खाण लग पैणगियां। पर ब्राह्मण ने ऐसा प्रभाव पाया है कि लोग निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि साडा बंदा स्वर्ग विच पहुँच गया है। ये गरंटी तो दान दक्षिणा लैके ब्राह्मण ही कर सकता है, सो कर रहा है। हुण तां बच्चा जम्मण उत्ते पारसी टेवा भी ब्राह्मण तो बनवाउण लग पए हन। जे कोई कुड़ी गैर पारसी मुंडे नूं पसंद करे, जिहड़ा कि अजकल करदियां ही हन, तां पारसियां दी एसोसीएशन उस कुड़ी नूं कहिंदी है कि जे वह गैर पारसी नाल विआह ना करवाए तो पारसी मुंडे नाल ही करवाए तो उस नूं एक फ्लैट एसोसीएशन वल्लों तोहफे दे तौर ते दित्ता जाएगा। पारसियां दीआं कलोनियां वक्खरियां ही हुंदियां हन। मुंबई विच दादर विच एक पारसी कलोनी है। इन्हां दी कलोनी दी सब तो वड्डी पछाण यह है कि इस नूं सिर्फ एक वड्डा सारा गेट लगा हुंदा है ते चौकीदार बाहर बैठा हुंदा है। बाहरों आउण वाले की तसली करके ही अगे भेजिया जांदा है। कलोनी दे विचकार फुहारा जरूर लगा हुंदा है ते फुहारे दे आले दुआले काफ़ी वड्डी ग्राउंड हुंदी है। जे पारसी कार ते जा रहा होवे तो उस नूं ऐसा लगे कि कार दे थले वट्टे वर्गा कुछ लगा है तो वह कार खड़ी करके पूरी तसली करके ही अगे तुरदा है। कार वेचण दी मशहूरी का इश्तहार होवे तां लिखिया जांदा है पारसी ड्रिवन, अर्थात पारसी द्वारा चलाई हुई, तां उस कार दा मुल काफ़ी वध जांदा है। मेरे मासी दे पुत दी सास मास्टरनी रिटायर हुई तां उस नूं 2.5 लाख रुपए मिले।
उसने टाटा कंपनी के शेयर लैण लई दरखास्त दिती। फिर एक दिन वह टाटा के मालक नूं आप मिली जिहड़ा कि पारसियां नूं झट मिल पैंदा है। पारसियां नूं पारसी झट मिल पैंदे हन भावें जिन्ने मर्जी रुझेवें विच होण। उसने उसनूं सारे पैसियां दे शेयर अलाट कर दित्ते। अजकल वह करोड़ां पति है। जे कोई पारसी किसी के घर जाए तो लगते चारे कुछ भी खाता ज पीता नहीं, क्योंकि उसनू पता है कि जे ये मेरे घर आया तो मैनू भी खवाना पिवाना पवेगा। पारसी धंधे विच बहुत ही ईमानदार होंदे हन। ये जिहड़ा भी धंधा करन अगों पीढ़ियां तक उही धंधा करी जांदे हन। मिसाल दे तौर ते एक बंदा घोड़े वेचण दा खरीदण दा धंधा करे तो अपने नाल नाल लिखावेगा फलाना घोड़े वाला। जिहड़ा पालकियां बणाउंदा होवे उह लिखिया फलाना पालकी वाला। इसे तरह लोहे वाला अपने नाल अगे लोहे वाला, लकड़ी वाला जिहड़ा बाल्टियां बणाउंदा है वह बाल्टी वाला, इसे तरह सोडा बाल्टी वाला, फिर सोडा बाल्टी ओपनर वाला, सोडे का ढक्कन खोलण लई ओपनर, बंदूक वाला आदि लिखेगा। एक पारसी जो साका नीला तारा तो बाद पंजाब का गवर्नर बनिया सी दे नाम पिछे सितार वाला लगता सी। ये पारसी सी ते इस दे वड्डे वडेरे गीत संगीत वाली सितार वजाउंदे ते वेचदे सन। इस दा पुश्तैनी घर बंबई दे दादर एरिए विच पारसी कलोनी विच सी। ये लोग अपने काम विच दिन रात एक कर देंदे हन, काम बहुत ही लगन नाल करदे हन ते कामयाब भी हो जांदे हन, पर ब्राह्मण दे गलबे थले आ चुके हन। एक पारसी नूं मैं अपने घर हवन जग कराउंदिआं भी वेख्या सी। पारसी लोग गोल टोपी पाउंदे हन ते सधारण जीवन जिउंदे हन, पर अंग्रेजी कल्चर नूं वध पसंद करदे हन। अंग्रेजी बोल के खुश हुंदे हन ते लड़कियां ईसाइयां वर्गे कपड़े पा के खुश हुंदियां हन। खाने विच इह खट्टे मिठे व्यंजन बहुत पसंद करदे हन। पहलां इह अपनी सभ्यता विच बड़ा यकीन रखदे सन, इसे लई ही इह भारत रूपी हिंदू लूण दी खाण विच डिगणों कुछ समां बचे रहे। जे किसी नूं किसी कारोबार विच घाटा पै जावे पर बशर्ते कि वह बेईमान ते वैली ना होवे तां पारसी उस दे घर आ आ के उस दी मदद करन दी पेशकश करदे हन। कोई ग्रांट जां दान वगैरा तां इह लोक नहीं लैंदे, पर व्याज उत्ते उधार लै लैंदे हन ते दुबारा कारोबार शुरू करदे हन। भारत दा हिंदू जगत इह बखूबी समझदा है कि पारसी निकले जा चुके हन, क्योंकि वह आप ही हिंदू समाज विच जजब हुंदे तुरे जांदे हन। पारसी लोग अपना घरेलू हिसाब किताब ते अपना खर्चा अपने वस विच रखण लई भी अजीब तरीका वरतदे हन। मेरी मासी दा पुत भरा टाइम्स आफ इंडिया विच ग्रेवियर रंग भरन दे माहर दी नौकरी उत्ते सी। उस दी पत्नी एक खाद कंपनी विच अफसर सी। पहली तारीख वाले दिन उन्हां दोवां नूं तनखाह मिली तां सब तों पहलां उन्होंने अलमारी विचों कागज़ दे लिफाफे जिन्हां दे अंदर कपड़ा लगा हुंदा है ते पार्सल भेजण दे काम आउंदे हन कढ के बाहर मेज उत्ते रख ले। दोवां ने तनखाह एक थां ते इकट्ठी कर दित्ती। फिर एक लिफाफा चुकिया जिस उत्ते लिखिया सी बिजली दा बिल। उस विच जिन्ना को बिजली आम तौर ते बिल आउंदा सी वह पैसे पा दिते। फिर पानी दा बिल, इसे तरह जीवन बीमे की किश्त के पैसे, घर के सौदा सूत वाले लिफाफे विच सौदा सूत के लिफाफे, फिर दवाई ते डाक्टर वगैरह का खर्चा जिहड़ा कि उन्हां दा कदी कोई घट ही होया सी, पर फिर भी उन्हां उस विच पैसे पा दिते। उस तों बाद परौणे आउण जां किसे दी पार्टी ते जाण जां किसे दे व्याह शादी ते जाण वाले लिफाफे विच पैसे पा दिते ते इस तरह उन्होंने 17 लिफाफियां विच पैसे पा के एक ऐसे लिफाफे विच भी पैसे पाए जिस ते बचत लिखिया होया सी। उस तों बाद एक होर लिफाफे विच पैसे पाए जिस दी मैनूं बहुत हैरानी हुई ते उस ते लिखिया होया सी अणजाणे होण वाले खर्चे। बाकी बचे पैसे उन्होंने वंड लए ते भाऊ ने अपनी जेब विच पा ले ते भाभी ने अपने पर्स विच रख ले। मैं पुछया तां उन्हां दस्या वो सारे खर्चे सन, असल विच यही साडे अपने पैसे हन। हुण भावें मैं अपने सारे पैसों की विस्की खरीद लियावां ते भावें खूह विच सुट आवां, ये मैनू नहीं पुछ सकदी।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲਿਫਾਫੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੜੀ ਨਾਪੀ ਤੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੂੰਗਰਵਾੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਗੀਚਾ ਜੋ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਕੰਬਾਲਾ ਹਿੱਲ ਕੈਂਪਸ ਕਾਰਨਰ ਕੰਬਾਲਾ ਹਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10-12 ਖੂਹ ਹਨ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 40 ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੂਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੂਹ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਰੁੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਪਛਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਪਾਰਸੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਗਿਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸੀ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਗੋਲ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਅਸਥੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ
समुंदर तक वछाई ता कि अस्थियां नूं रोड़ दिता जाया करे ते उह सिद्धियां समुंदर विच चलियां जाया करन। पर यह सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया ते 6 फुट चौड़े व्यास की पाइप जाम हो गई। हुण पारसी लोग बिजली की भट्ठी नाल मुरदे साड़दे हन ते किलो 2 किलो सवाह जो एक मुरदा शरीर की हुंदी है उसनू हरिद्वार जां होर हिंदू थावां ते जिथे गति करवाउण दा प्रबंध होवे उत्थे पाणी विच जल प्रवाह कर दित्ती जांदी है। कई पारसी तां पिंड दान वी करन लग पए हन। पारसियां विच वी जात पात है जां कह लिया जावे कि ब्राह्मणां दे 4 वर्ण बनाउण वांग इन्हां ने वी आपो अपने काम वंडे होए हन। ईरान तों आउण वालियां नूं इह फसली कहिंदे हन। पूजा पाठ करन वाले प्रीस्ट यही हन। इन्हां नूं ही दस्तूर जी जानी गुरु जी भी कहा जांदा है। इन्हां नूं मोबड भी कहिंदे हन जिसका मतलब हुंदा है अरदास करन वाले अरदासी। परशियां तों आउण वालियां नूं कदमी कहा जांदा है। ये लोग बहुत ज़्यादा गिणती विच हिजरत करके आए सन ते इन्हां विचों बहुते भारत विच ते खास करके बंबई विच वस गए हन। जिहड़े अमीर हो गए उन्हां नूं शहनशाही कहा जाण लग पिया। ये बहुता करके बंबई विच रहण वाले तजारती लोग हन जिन्हां विच टाटा गोदरेज पालकी वाला ते सोली सोहराब जी वर्गे अमीर पारसी हन। चौथी तरह के लोगों आंदिया कहा जाता है अर्थात वो लोग जो मुरदे कंध ते चुक के डूंगरवाड़ी लैके जाते हैं। ये लोग डूंगरवाड़ी विच ही रहिंदे हन ते पारसी पंचायत इन्हां नूं तनखाह दिंदी है पर कोई भी पारसी इन्हां नाल रिश्ता नहीं करता। यह पारसियां का चौथा वर्ग शूद्र कहा जा सकता है। इन्हां दियां इह वक्खो वक्खरियां जातां इन्हां ने आप नहीं बनाईयां। यह भी भारत के ब्राह्मणा का ही काम है क्योंकि कुछ पारसी कनेडा विच भी वस गए सन पर उत्थे इह जातां नहीं हन। पारसियां की वह जाति जो खांदियां अखवाउंदी है ते कंधे ते मुरदे नूं घरों चुक के खड़न दा काम करदी है नूं शूदर ते नीच समझ के पारसी कलोनियां विचों बाहर कढ दित्ता गया ते डूंगरवाड़ी जां होर पछड़े इलाकियां विच वसा दित्ता गया। पारसी अपने परिवार जां रिश्तेदार दा मुरदा शरीर आप नहीं चुकदे। अंतम संस्कार दे सारे काम इह खांदी ही करदे हन। इही मुरदे नूं मीनार ते रखदे हन ते 3 वार ताड़ी मारदे हन ते गिरजा मुरदे ते आ चपटदियां हन। मुरदियां विच इस्त्रियां बुढ़े बुढ़ियां बच्चे ते जवान कुड़ियां दे मृतक शरीर भी आउंदे हन। कोई पारसी इन्हां खांदियां नूं कुड़ी नहीं देंदा इसलिए वह काम विच इन्ने भुखे होंदे हन कि एक बार उन्हां ने एक नौजवान पढ़ी लिखी पारसी कुड़ी नूं जदों चुप दे टावर ते रखिया तां उस दे पाए हुए कपड़े चीरे ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੰਗੀ ਜਵਾਨ ਮੁਰਦਾ ਪਾਰਸਣ 'ਤੇ ਝਪਟ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਾਰਸੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60,000 ਪਾਰਸੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਪਾਰਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ 'ਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਖਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
इस लई ये पूरी बरादरी एक हैमोफीलिया नां दी बीमारी दी शिकार हो चुकी है। इस बीमारी दा मरीज खून दी बीमारी दा मरीज हुंदा है। आम तौर ते ये बीमारी मर्दां नूं हुंदी है ते इस्त्रियां इस बीमारी दियां कैरियर हुंदियां। यह बीमारी पिता पुरख ही हुंदी है ते ला इलाज है। भारत विच इसका इलाज है ही नहीं क्योंकि अजे भारत विच इस दियां दवाइयां बननियां शुरू ही नहीं होईयां। पर जे बीमारी का इलाज करना होवे तां अज दे महंगाई दे युग विच इसका इलाज लखां रुपईयां नाल ही हो सकदा है। इस बीमारी की मुख विशेषता यह है कि जे किसी का एक बार खून वगण लग पवे तां फिर छेती कीतियां बंद नहीं हुंदा। कहिंदे हन रूस दे जार दे पुत नूं इह बीमारी सी। एक रासपुतन नां दा तांत्रिक किस्म दा बंदा हिपनोटिज्म नाल उसदा इलाज करदा हुंदा सी। उसने एकाग्रता करके अपने विच शक्ति लै आंदी सी ते अपने इस हुनर करके रूस दे जार दी हुकूमत ते एक तरह नाल कब्जा ही कर लिया सी। क्योंकि जार दा एक लौता पुत रासपुतन दी मुट्ठी विच सी, इसे गल दा ही फायदा उठा के वह जार दे जनाना महल विच वड़िया रहिंदा ते मन आईयां करदा। उसनू कई बार मारन की कोशिश भी की गई। एक बार उसनू चौलां दे पलाओ विच पाए हुए मेवियां विच जहर भर के खुआया गया पर वह नौ बार नौ रहा। शराब विच जहर पा के पिलाया गया पर बादशाह दा महल हैरान रह गया। जदों दूजे दिन उसने उसे नाल दी ही शराब लियाउण लई कहा ते दस्या कि कल वाली शराब पी के मैनू बहुत मजा आया है ते मैं सारी रात घुराड़े मार के सुता हाँ। उसके खिलाफ उसनू जानों मारन लई कई षडयंत्र रचे गए। अखीर रूस की क्रांति हुई जिसका मुख कारण रासपुतन ही सी। इस क्रांति विच ना ही जार बचिया ते ना ही रासपुतन। पारसी लोग बहुता खेडां वगैरा ते होर नठ भज वाले कामां विच घट ही दिलचस्पी लैंदे हन। जिहड़े लोग उपरोक्त बीमारी का शिकार हो चुके हैं उन्हां नूं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना पैंदा है। इसे लई ही बहुते पारसी जां तां दफ्तरां विच नौकरी करदे हन जां दुकानदार हन। ब्राह्मण हुण नवें जम्मे बच्चियां दे टेवे ते जन्म पत्रियां तक बणाउंदे हन। मरे होयां दी गति करवाउंदे ते शराह तक भी करवाउंदे हन। पारसी लगभग ब्राह्मण दी गिरफ्त विच आ चुका है क्योंकि पारसी हुण अपने धार्मिक गुरुआं वल घट रुचि लैंदे हन पर ब्राह्मण दा पूरा सत्कार करन लग पए हन। नाम ही हिंदुआं वर्गे रखते हैं ते काम भी हिंदुआं वाले ही करन लग पए हैं। पारसियां नूं भी हिंदू अजगर निगल चुका है। इस गल दा पारसियां नूं भी पता है ते वो ये गल मनदे भी हैं। किताब ते सिख भी निकलिया गया। लेखक सरदार कुलबीर सिंह कौड़ा भाग तीजा आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपवाली। पूरी किताब सुन वास्ते यूट्यूब चैनल गुरजंट सिंह रूपवाली सबसक्राइब करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।